राख की रस्सी। बहुत साल पहले की बात है, रमन लाल नाम का एक सेठ हुआ करता था। वो काफी चतुर था और दूर दूर तक अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसके सामने कोई न टिक पाता था, पर इससे उल्ट उसका बेटा प्रताप बहुत ही भोला था। समझदारी उसके पास थी ही नहीं। सेठ ने उसे समझदार बनाने और जीवन के कुछ पाठ पढ़ाने के लिए युक्ति सोची। सेठ ने उसे 100 भेड़े दी। बेटा प्रताप, ये लो, ये 100 भेड़ हैं। तुम्हें इन्हें बाजार लेके जाना है और वहाँ से 100 गेहूं की बोरियाँ लानी है। पर ध्यान रहे, तुम ये भेड़ बेच नहीं सकते। पूरी की पूरी भेड़ मुझे वापस चाहिए। और अगर तुम खाली हाथ लौटते हो तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इतना बोल के सेठ ने प्रताप को शहर की ओर रवाना कर दिया। प्रताप शहर पहुंचा पर उसके पास 100 गेहूं के बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या करूं? पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया है पर पैसे नहीं दिए। कैसे खरीदूं 100 बोरियां? ये सोच के वो थोड़ी दूर जाके बैठ जाता है और सोचता रहता है। काफी समय हो जाने के बाद वो उदास हो जाता है। उसे कोई युक्ति नहीं सूझती। तभी वहां से एक लड़की निकलती है। वो काफी सुंदर और दयालु थी। प्रताप को बैठा देख वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो यहाँ? प्रताप अपनी पूरी बात उसे बताता है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? एक काम करो, भेड़ों के बाल कटवा के बेच दो। उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिससे तुम 100 गेहूं की बोरियां आराम से खरीद सकते हो। इतना बोल के वो लड़की वहां से चली जाती है। प्रताप ने ऐसा ही किया। वो भेड़ के बाल लेकर बेच आता है और उनके पैसों से बोरियां खरीद लेता है। चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है और पिताजी को अपनी पूरी कहानी बताता है। पिताजी सोच में पड़ जाते हैं कि वो लड़की कौन है और वो उससे बोलता है, कल सुबह फिर मेरे पास आना। अगले दिन, मैं तुम्हारे भेड़ के बाल बेचने से खुश नहीं हूँ। तुम आज फिर से बाजार जाओ और मुझे 100 गेहूं की बोरियां ला के दो, नहीं तो घर मत आना। ये सुनकर प्रताप उदास हो जाता है और फिर से भेड़ लेकर बाजार पहुँच जाता है। काश वो लड़की फिर आ जाए तो मेरी मदद कर दे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो लड़की वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, आज क्या हुआ, तुम फिर से उदास बैठे हो? पिताजी ने फिर से मुझे 100 गेहूं की बोरियां लाने के लिए बोला है, पर मैं कैसे लेके जाऊं? पैसे नहीं है मेरे पास। लड़की कुछ देर सोच कर बोलती है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, इन भेड़ों के सींग काट कर बेच दो और उस पैसे से गेहूं की बोरियां खरीद लो। इतना बोल के वो लड़की वहां से चली जाती है। प्रताप लड़की की बात मानकर वैसा ही करता है और पैसे लेकर के वो 100 गेहूं की बोरियां खरीद लेता है। चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है और पिताजी को फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाता है। पिताजी ये सुन के काफी अचंभित हो जाते हैं और उस लड़की की एक अंतिम परीक्षा लेने की सोचते हैं। प्रताप, जाओ उस लड़की से बोलो कि मुझे 1-2 हाथ लंबी राह की रस्सी बना के दे। प्रताप जाकर लड़की को पूरी बात बताता है। लड़की भी काफी समझदार थी। ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूं, पर तुम्हारे पिताजी को वो राख की रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। सेठ ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव है और वो शर्त मान लेता है। अगले दिन लड़की काफी होशियार थी। उसने एक पत्थर में रस्सी रखी और उसे आग लगा।
लगा दी। आग बुझने के बाद रस्सी राख की बन गई और उसने वो रस्सी प्रताप के हाथ भिजवा दी। रस्सी देखकर सेठ काफी अचंभित होता है, क्योंकि जैसे ही वो रस्सी छूता तो वो चूर चूर हो जाती और उसके हाथ में कुछ ना आता। और सेठ उस लड़की की होशियारी को मान जाता है। वो प्रताप के साथ उस लड़की के पास जाता है। बेटा, मैं तुम्हारे चातुर्य से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। लड़की भी शादी के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी दिखानी चाहिए और हार मानकर नहीं बैठना चाहिए।